فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا वनफ़ा वज आए कुरान समझें शुरू से आखिर तक अंडरस्टैंड कुरान फ्राम बिग्निंग टू एंड का लेवल टू अल्लाह की तोफ़ी से जारी और सारी है लेवल टू के सबक नंबर सत्रह में आज हम सूर तौबा की आयात नाइन्टी फ़ोर से लेकर आयत वन टवेंटी टू तक चौरानवे से लेकर एक सौ बाईस तक आयात हम पढ़ेंगे सूरत सूरत तोबा के मौजूद इससे पहले भी आपके सामने दोहराए गए कोर्स के मकासद और उस कॉर्स का तारुफ आपके सामने है आज के पाँच सफहत में ग्यारहवें पारे के सफ़ा नंबर एक से लेकर सफ़ा नंबर पाँच तक इन पाँच पारों में जो गुफ्तु की गई है वो तीन तरह के ग्रोहों के बारे में गुफगू की गई है पहला ग्रोह वो जो मुनाफिक का ग्रोह था जो गजबाए तबूक पर जाने से उनके निफाक़ ने उनको रोका और वो अल्लाह की राम में नहीं निकल सके दूसरा ग्रोह वो कि जो अहले ईमान का था अहले ईमान का था लेकिन वो जहाद पर नहीं जा सके गज़बा तबो के लिए नहीं निकले और तीसरा ग्रोह जो है उसके अंदर तीन सहाबा क्राम हैं जो ईमान के अंदर बिल्कुल ख़ालस थे लेकिन वो नहीं जा सके उनका तफसली ज़िक्र आएगा तो आज के इन पाँच सफात के अंदर इन्हीं तीनों ग्रोहों का ज़िक्र आएगा और जिहाद की रगबत अलावा है तो चलिए अल्लाह की तोफ़ी से हम शुरू करते हैं अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गजवा तबूक से वापसी और आपके इल्म के में है कि पहले भी बताया गया था कि गज़वा तबूक का जो नाम है वो गज़वातलूसरा भी इसे कहा गया उसरा और उस तरह का मतलब क्या होता है तंगी यानी ये ऐसा गज़वा था जो तंगी वाला था बड़ी सख्ती वाला था क्योंकि शदीद गर्मी थी मौजूदा लिहाज से सात सौ किलोमीटर का सफ़र था और मदीना के अंदर फल और फसलें बिल्कुल तैयार हो चुकी थी यानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी इसमें आजमाइश थी और देखिए जैसे कि पहले जिक्र गुज़रा सूरत में कि अल्लाह रबुल्ज़त असल में तमयीज़ करना चाहता है अहिमान और अहल नफा के दरमियान तो ऐसे गज़वात या ऐसे सफ़र उसके लिए एक बतौर इम्तहान और आजमाइश थे तो चलिए हम शुरू करते हैं ये सबसे पहले ग्रोह का जिक्र है जो मुनाफिकीन का ग्रोह है जो जिहाद पर ना जा सकें आऊदबिल्ल ही मिनशन या तदर इलेक्म वो उज़र पेश करेंगे आपकी तरफ या तिर एदरा या तद दजर पेश करेंगे इले कम आपकी तरफ़ कब इधा और जै तुम जब आप लोटेंगे इलेिम उनकी तरफ जब आप उनकी तरफ लौटेंगे तो वह उज़र पेश करेंगे कुल कह दीजिए ला तदरु नहीं है मत उजर पेश करो लन मीना लकुम हम तुम्हारा यक़ीन नहीं करने वाले या हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे हरगिज़ नहीं करेंगे आपके है ना कि पिछले लेसन में भी जिक्र गुजरा था कि ईमान यकीन के माना में भी इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर ईमान यकीन के माना में है कि हम हरगिज तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे वजह क्या है कद तहकीक नब्बा ना खबर दे दी हमें नब्बा बा खबर दे दी ना हमें नबा उन अरबी जुबान में खबर के माना में इस्तेमाल होता है तीसवें पारे की पहली सूरत सूरत नबा भी इसी से है खबर दे दी हमें किसने अल्लाह अल्लाह ने किस चीज़ की खबर मिन अखबारी कुम तुम्हारी खबरों की वह सैर अल्लाह उन अल्लाह देखेगा तुम्हारा आमल व रसूल हो और उसका रसूल मतलब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे अमल देखेंगे मतलब आने वाले व वा... अभी तुम मुजर पेश कर रहे हो आने वाले वक्त में तुम्हारे क्या अमाल हैं अल्लाह और उसका रसूल देख लेंगे तुम फिर तो रद्दूना तुम लौटाए जाओगे फेल मजहल पैसी वाइज तो रद्दूना तुम लौटाई जाओगे किसकी तरफ इलामिल गई भी गैब के जानने वाले की तरफ फिर तुम लौटाए जाओगे गैब के जानने वाले की तरफ ना सिर्फ गैब बल्कि व शहादा हाजिर और छुपी हुई शहादा का मतलब होता है ज़ाहरी बात जो दिखाई देने वाली है गैब जो छुपी हुई है छुपी और ज़ाहरी हर चीज का इल्म रखने वाला है आलिमिल गई भी व शहादा फ़ यूनबे बस वो ख़बर देगा कुम तुम्हें देखे ऊपर गुजरा ना नब वो फ़ेल माजी है और यूनब भी उसका फेल मुजारे है वो ख़बर देगा कुम तुम्हें किस चीज़ की बीमा कु तुम पास कंटिन्यू जो तुम अमल करते थे जो तुम अमल करते थे अल्लाह तुम्हें उसकी खबर देगा अल्लाह अकबर तो ये मुनाफिक के बारे में है अब मुनाफिकीन का मजीद एक अल्लाह रबुल्ज़त उनके उनके जो वो काम करेंगे आने वाले वक्तों में अल्लाह उसकी खबर दे रहे सैह लिफुन अबिल्लाब <स्थाँगा> वो कस्में खाएंगे अल्लाह की लकुम तुम्हारे लिए इधन क़लब तुम जब तुम लौटोगे इनकलाब का मतलब पलटना होता है जब तुम पलटोगे इलेिम उनकी तरफ लि तो अली ताकि तुम एराज करो आन हम उनसे मतलब तुम उन्हें छोड़ दो वो कस्में उठाएंगे तो अल्लाह ने अहले ईमान को यह नसीहत फरमाई कि फ आरिदो आन हम फ आरिद पस छोड़ दो या एराज करो आन हम उनसे उन एराज करो इन नुम रिज सुन वो बेशक वो गंदे हैं मतलब निफाक के अंदर डूबे हुए हैं और निफाक ये पलीदगी और गंदगी का नाम है वाहम वा जहन्नम और उनका ठिकाना जहन्नम है जजा अन बदला है किस चीज़ का बीमा कानू यकसीबोन ये बदला है उसका जो वो कमाई करते थे जो वो कमाते थे ये उसका बदला है यह लिफोन वो कसमें खाएंगे तुम्हारे लिए हल्फ कसम को कहते हैं लितर तर अन हम ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ वो कस्मे खाएंगे तुम्हारे आगे ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ अल्लाह ने फरमाया फ़ इन तर दो अन हम पस अगर तुम उनसे राजी हुए फ़ इन पस अगर तर दो तुम राजी हुए अन हम उनसे फ़ इन अल्लाह तो बेश लर नहीं राज़ी होता अनिल कौमिल फासी फ़ासी कौम से अगर तुम राज़ी हो तो अल्लाह फासी कौम से राज़ी नहीं होता अब देखिए इन दो आयात में जो आराब देहाती हैं उनकी कुछ आदात को बयान किया जा रहा है उनकी जो मनफी आदात थी उनका निफाक या उनका कुफ़र और आने वाली आ, आयात में फिर जो देहातियों में अहल ईमान हैं उनकी तारीफ भी बयान की जा रही है तोल रब ने फरमाया अराबो अशदु आराब अराबीय की जमा, अराबीयून की जमा आराब, ये जो आराब है ना मतलब देहाती अशदु इसम तफील है ज़्यादा शदीद हैं किस चीज़ में कुफरन, कुफर में व और निफ़ाक में ये इनकी दो सिफात है कुफ़र और निफ़ाक में ये बड़े सख्त हैं बड़े शदीद हैं नंबर तीन वह अज़दरु और ज्यादा लाइक है या इसी काबिल हैं ज़्यादा काबिल हैं किस चीज़ के अल्लाह यामू ये कि वो ना जान सकें ये कि वो ना जाने, हदूदा मा अनजल्ला जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी हदूद को ना जाने, और वो इसी लायक हैं कि वो अल्लाह की नाजिल करदा हदूद को ना जान पाएँ आला रसूल ही अपने रसूल पर व्ला और अल्लाह आलिम रखने वाला हकीम हमत वाला है म और हकीम है अब देखें आरब जो देहात हैं वो कुफ़र और निफाक में ज़्यादा सख्त हैं और अल्लाह के रसूल सल्हुह वसम पर जो हदूद अल्लाह नाजिल करते हैं उसको भी ना जान सकें या ना जान पाए उसकी वजह क्या है क्योंकि ये देहात में रहते हैं शहर मदीना के अंदर आकर इनका इनका को हासिल करना के रसूल अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना ठहरना अपने घर बार जानवर खेती बाड़ी को छोड़कर आना टाइम देना यह कम है तो इस वजह से इनका इल्म और मारिफत भी कम है अब जो देहाती हैं उनकी एक और निशानी बयान की गई या एक और रवैया और एक और जो बुरा अखलाक है उसको बयान किया गया फरमाया वमिनल अराबी और आरब में से मैत ताखीदू जो बनाता है क्या बनाता है या किस को बनाता है मायनफिकु जो वो खर्च करे जो वो खर्च करे उसको बनाता है अच्छा क्या बनाता है मगरमन जुर्माना मकरमा का क्या मतलब है बोझ के मान में भी इस्तेमाल होता है बोझ के मानों में भी इस्तेमाल होता है ये मकरम जुर्माना अरब ममालिक में रहने वाले जानते हैं जो गरामा होता है ना वो इसी से है गैन रामीन इसके रूट लेटर्स हैं रूफ असली ठीक है तो ग्रामा भी इसी से है जुर्माने के माना में तो देहातियों में से बाज ऐसे हैं जो बनाते हैं जिसको वो खर्च करें क्या बनाते हैं मगरमन जुर्माना यानी वो अल्लाह की राह में अगर उन्हें कुछ देना पड़ जाए ज़क़़त या सदक़ात तो वो अपने ऊपर इसको जुर्माना समझते हैं वह ये तरबसू और वह इंतज़ार में है वह ये तरबसू और वह इंतजार में है बिकुम, तुम्हारे बारे में अदवा मतलब होता है बुरे हालात के वो तुम्हारे बारे में यानी अहले ईमान के बारे में बुरे हालात के मुंतजिर हैं यह तरबस इंतजार के माना में आता है तरबस तदबरा के वज़न पर फेल मुजारे है यह तरबस इंतज़ार में है किस चीज के बिकुम तुम्हारे बारे में या दवा इर द इरातुन की जमा जो आगे आ रहा है द इरातुन की जमा मतलब बुरे हालात अलैहिम अल्लाह ने फरमाया उन पर है अलैहिम उन पर है द इरातु सौ बुरे हालात वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला अलीम इल्म रखने वाला अल्लाह बहुत सुनने वाला बहुत इल्म रखने वाला है अल्लाह अकबर आप जरा देखिए ये अहल नफाक की सिफ्त है बुरी सिफ्त है अहल नफाक का बुरा अखलाक है कि वो कुफ़र और नफाक में बड़े सख्त होते हैं जहालत के बड़े करीब होते हैं और अल्लाह की राह में अगर कुछ खर्च करना पड़ जाए तो ऐसे समझते हैं जैसे हमारे ऊपर जुर्माना हो गया तो याद रखिए इसके अपोज़िट अहले ईमान की क्या सिफत होती है कि वो अगर अल्लाह की राह में उन्हें कुछ खर्च करना पड़े किसी भी सूरत में चाहे वो फर्जी ज़क़़त है सदका है अल्लाह की राह में देना है किसी मुसलमान की मदद करना है यतीम की परवरिश करना जो भी वो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं उसको वो अपने ऊपर जुर्माना नहीं समझते वो दिल की ख़ुशी के साथ अल्लाह के राह में खर्च करते हैं और अहले निफाक दिल की तंगी के साथ उस खर्च करने को अपने ऊपर जुर्माना समते हुए अल्लाह की में खर्च करते हैं तो अहले ईमान का ये रवैया नहीं होता और दूसरी देखे सबसे आखिरी सिर्फ क्या बयान हुई कि जो अहले नफाक हैं मुनाफिकीन है वो हमेशा मुसलमानों पर किसी बुरे वक्त के आने के मुंतजर रहते हैं मुसलमानों पर हमेशा किसी बुरे वक्त के आने के मुंतजर रहते हैं तो इस वजह से कोई भी मुसलमान है हती के कोई मुसलमान मुल्क है कोई मुसलमान इलाका है कोई मुसलमानों का ग्रोह है तो उनके बारे में एक मुसलमान को हमेशा अच्छे जज्बात और अच्छे एहसास और अच्छी दुआएं और अच्छी तमन्नाएं रखनी चाहिए कभी भी ये ना हो कि ये मुसलमान मुल्क कब इसके बुरे हालात आएंगे कोई भी मुसलमान मुल्क जिसके अंदर अहल इस्लाम और अहल ईमान बसते हैं तो ये अहल ईमान की सफ़ात अहल नफाक के अपोज़िट अब आप देखें आयत नंबर ननानवे में रब्बुल इज़्ज़त ने जो आराब में से मतलब देहातियों में से जो अहले ईमान हैं अल्लाह इज़्ज़त ने उनका जिक्र किया अल्लाह ने फरमाया वमीनल अराबी मीन यहाँ बाज के माना में है आप कई मरतबा पढ़ चुके हैं मीन जो है वो बाज़ के माना में भी इस्तेमाल होता है वामिन अराबी और देहातियों में से बाज मीनू जो ईमान रखते हैं बिल्ला अल्लाह पर वलियोमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर वैत तखीदू वैत तखीदू का क्या मतलब है जी और वो बनाते हैं मा यूनफी जो वो खर्च करें जो वो खर्च करें उसको वो बनाते हैं क्या बनाते हैं कुरुबातिन अल्लाह के यहां कुर्बत का बाइस गरामा नहीं समझते उसको अपने ऊपर जुर्माना नहीं समझते बल्कि अल्लाह के यहां कुर्बत का बाईस समझते हैं ये अहले ईमान की सिफत है नंबर एक नंबर दो क्या समझते हैं जो अल्लाह के राम खर्च करें वह रसूल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का जरिया के हम इस माल को ख़र्च करके अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की दुआओं को समेटेंगे अला जान लो मतवे हो जाओ न बेशक ये मतलब ये जो वो ख़र्च करते हैं उनके सदकात लहुम उनके लिएबत का बाइस है बहुत बड़ी अल्लाह ने खुशखबरी दे दी कि वो जो दिल की खुशी के साथ खर्च करते हैं अल्लाह की कुरबत चाहने के लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप वसल्लम की दुआएं चाहने के लिए तो वो जान लें ये खर्च करना अल्लाह कीबत का बाइस है इन्नाबतल सैद खिलोहल्लाब अल्ला दाखिल करेगा उन्हें फ़िर रहमत ही अपनी रहमत मेंब अल्ला उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा इन बेषकल्ला ग़फ़ोर मुआफ करने वाला रहीम रहम करने वाला है बेश करने वाला रहम करने वाला है अल्लाह अकबर तो अल्लाह की तोफ़ी से हमने सफ़र नंबर दो सौ एक मुकमल किया सफ़र नंबर दो सौ दो तो सफ़र नंबर दो सौ तीन की तरफ चलते हैं जिसके अंदर अहले ईमान का भी जिक्र है और अहल नफाक यानी कि मुनाफिकीन का भी जिक्र है और तीसरे मौजूल रबुल्ज़त ने जो सदकात और ज़क़त का एक बहुत बड़ा उसका फायदा है और उसकी फजीलत है अल्लाह रबुल्ज़त ने उसको बयान किया तो अल्लाह ने फरमाया अवलून सबकत ले जाने वाले अवलून जो पहले हैं वह सबिकुन और सबकत ले जाने अल अलअलून जो पहले हैं अच्छा किन में से पहले मिनल मुहाजिरीन मुहाजिरीन में से वल वलअसार और अनसार में से वदिन तब और जिन्होंने और जो उनके पीछे चले बेहसान अच्छे तरीके से और जो एहसान के साथ उनके पीछे चले मतलब अनसार के पीछे चले अच्छा ये जो सब हैं रदी अल्लाह अल्लाह उनसे राज़ी हुआ अल्लाह उनसे राज़ी हुआ महाजरीन और अनसार में से जो सबकत ले जाने वाले हैं अल्लाह उनसे राज़ी हुआ ये एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के सहाबा और ख़ास कर वो सहाबा जो हिजरत के अंदर सबकत ले जाने वाले हैं और जो उनकी खिदमत करने वाले अंसार हैं अल्लाह ने फरमाया फरमाए अल्लाह उनसे राजी हुआ व रद और वो अल्लाह से राजी हुए अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी अकबर। पहला इनाम है दूसरा इनाम व आदम और अल्लाह ने त्यार कर रखा है आद फेल माजी है आदू से असलमा के पैटर्न पर आदा और उसने तैयार कर रखा है मतलब अल्लाह ने लहमु के लिए क्या जन्नातिन बात जन्नात तजरी बहती हैं तह तह उनके नीचे से यानी उन बात के नीचे से अल अनहारो नहरें उन बागात के नीचे से नहरें बहती हैं ना सिर्फ ये बागात बल्किदी अफीहा हमेशा रहेंगे उन बागात में अबदा हमेशा हमेशा अज़ीम ये बड़ी कामयाबी है जालिका फौजुल अज़ीम बड़ी कामयाबी है अल्लाह ने फरमाया ये अहले ईमान का तस्करा है अब यहाँ पर यह जो है आयत नंबर एक सौ दो इसमें आयत नंबर एक सौ एक में तो वही जो अहले नफाक है मुनाफिकीन है जो जिहाद पर ना जा सके उनका जिक्र है जबकि आयत नंबर 102 में उनका जिक्र है जो अहले ईमान हैं, लेकिन जिहाद पर नहीं जा सके ये दूसरा ग्रोह है तर्जमा अल्लाह ने फरमाया मन और उनमें से जो ये मिम मन जो है ये किसका मजमुआ है मिन मन मिन का मतलब से मन जो वामीम मन और उनमें से जो उलम तुम्हारे इर्द गिर्द हैं मीन अराबी देहातियों में से अराब में से अराब में से जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं मुनाफिकून मुनाफिकून हैं विन अहल मदीना और अहल मदीना में से भी बाज मीन बाज के माना में तुम्हारे इर्द गिर्द देहातों में से बाज और अहल मदीना में से बाज क्या है मुनाफिकून मरदाक मरदाक वो खालिस नफाक पर कायम है बस खालिस नफाक है उनके अंदर अल्लाह ने नबी करीम सल्लाम को फरमाया ला ए मोहम्मद सल्लाम आप उन्हें नहीं जानते लता आप नहीं जानते हूँ उन्हें नहनु हम नम हम उन्हें जानते हैं आप उन्हें नहीं जानते हम उन्हें जानते हैं अल्लाह ने फरमाया सन अजिब हम देखिये फिर मुजाहे से पहले सीन आया अनकरीब अन अन अनकरीब हम अजाब देंगे हम उन्हें मर्रत दो मरतबा मर्रत एक मरतबा मर्र दो मरतबा मर्रातन तीन या ज्यादा मरतबा तो हम उन्हें अजाब देंगे मर्रत दो मरतबा फिर यदून वो लौटाए जाएंगे फेल मजहूल है पैसी मजहल फिर वो लौटाए जाएंगे इला बिन अजीम अजाब अजीम की तरफ फिर वो अजाब अजीम की तरफ लौटाए जाएंगे अब ये तो अहले निफाक मुनाफिकीन का जिक्र है जो पहले भी गुजर चुका आयत नंबर एक सौ दो से जिक्र शुरू हो रहा है जो अहले ईमान है लेकिन उनसे यह गलती होगी कि वो नहीं जा सके अल्लाह ने फरमाया वा आखरूना और कुछ दूसरे हैं वा आखरूना और दूसरे हैं याद रखिए है, खा के ऊपर अगर ज़बर होना आखर और उसकी जमा आखरून तो ये दूसरे के माना में यूज होता है सेकंड। और अगर खा के नीचे जेरो आखिर तो ये लास्ट के माना में यूज़ होता है जैसे हमारी उर्दू में आखिर है तो यहाँ पर ख़ा पर ज़बर है वह आ और दूसरे ए वो उन्होंने इतराफ़ किया भी दोनों भी अपने गुनाहों का उन्होंने अपने गुनाहों का इतराफ किया खला तू आम साल उन्होंने अमले साले को खल किया व आ खरा और दूसरा सयन बुरा मतलब उनसे अच्छे अमल भी हुए और उनसे बुरा अमल भी हुआ अच्छे और बुरे अमल को ख़लतमल तो उन्होंने किया मिक्स, मतलब अच्छे अमाल भी करते थे इससे पहले वो जिहाद पर भी जाते थे और अल्लाह के नाम खर्च भी करते थे दीगर भी नेकाल करते थे लेकिन उनसे ये गलती भी सरजद होगी आसल्लाहु करीब है कि अल्लाहब अलैहिम ये कि उन पर तोबा करे करीब है कि अल्लाह उनकी तोबा को कबूल करे देखें ताबा यतुब चैप्टर के बाद अगर आए आला तो मतलब क्या होता है तोबा कबूल करना करीब है कि अल्लाह उनकी तोबा को या उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तोबा को कबूल करे इन अल्लाह बेशक अल्लाह ग़ूर मुआफ़ करने वाला रहीम रहम करने वाला है तो देखिए अल्लाह की सिफात आयत के टॉपिक या मजमून के साथ कितनी मुताबकत रखती हैं बेश करने वाला रहम करने वाला है तो ये कुछ ऐसे सहाबा थे जो नहीं जा सके और उनके बारे में ये फैसला कर दिया गया कि उम्मीद है अल्लाह उनकी तोबा को, को बोल करे बेशक अल्लाह मुआफ़ करने वाला ये रहम करने वाला है ये दूसरा ग्रोह था ठीक है जी ये दूसरा ग्रोह था तीसरे ग्रोह का ज़िक्र आगे आ रहा है अल्लाह ने फरमायामूमी तौर पर तमाम अहल ईमान के बारे में फ़रमाया नबी करीम वसल्लम को हुक्म दिया खुज आखू से फेल अमर है खुज पकड़िए लीजिए मिन अम वाल उनके मालों से सदाकतन सदका उनके मालों से सदका लीजिए तो हीरोता हीरो मोहन तो हीरो, से देखें वो सदका पाक करे, हम उन्हें वो सदका उन्हें पाक करें या फिर आप उन्हें पाक करें दोनों तरह तर्जे किए गए हैं और दोनों तरह दुस्त है व तोक की हिम बिहा व तुज की और आप तजकिया करें हिम उनका बिहा इस सदके के जरिए आप उनके मालों से सदका लीजिए जिसके जरिए आप उन्हें पाक करें गुनाहों से और उनका तजकिया करें तो यहाँ पर सदके के दो बेहतरीन फजीलतें बयान हुई कि सदका देने से इंसान के गुना दुलते हैं और सदका देने से इंसान का नफ्स पाक होता है तजकिया नफ्स होता है उसका तीसरा मकसद वसली आलहीसली और दुआ कीजिए या रहमत भेजिए अले ही मु पर लफ्जी तजमा आप कर सकते हैं और दरूद भेजिए उन पर वसली और दरूद भेजिए आले ही मुन पर आप लोग लेवल वन में पढ़ चुके हैं ना सली फेल के बाद अगर आला लफ्ज़ आए तो मतलब क्या होता है दरूद भेजना सली आला मुहमदिन और अगर सली के बाद लाम आए सली के बाद लाम आए तो मतलब क्या होता है जी सली के बाद लाम आए तो मतलब होता है नमाज पढ़ना सली के बाद लाम आए तो मतलब नमाज पढ़ना और सली के बाद आला आए तो मतलब दरुद भेजना जी बारकल लाफ़ी कम मेरी आवाज़ की गालबन शिकायत आ रही है तो मुझे भी अभी नोटिफिकेशन आया है कि मेरी इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है इन उम्मीद है ठीक हो जाएगी आप भी दुआ करें कि रब शारखली सदरी वसिल्ली अम्रखलत अम्लिस अफका को ले रब्ज़त हमारे लिए आसानियाँ करे और ये जो अल्ला ने वसाइल हमें ताकि रबुल्ज़त इनको मज़ीद हमारे लिए सीखने सिखाने और बेहतरी का बायस बना दे जी तो अल्लाह रबत ने फरमाया खुद मिन अम्बालिम सदा का उनके मालों से सदका लीजिए तो तोता हम आप पाक करें उन्हें वह तुजकी हिम भी हा और आप उनका तज् करें वलिम और उन पर द्रोद भेजिए द्रोद का मतलब होता है रहमत की दुआ करना मतलब आप सल्ला के लिए दुआ कीजिए इन न बेशक आपका दुआ करना इन्ना बेशक सलात का आपका दुआ करना सकन लहुम उनके लिए इत्मीनान का बाइस है सकन उन इत्मीनान लहुम उनके लिए वल्लाहु और अल्लाह समीउन बहुत सुनने वाला आलिम बहुत इल्म रखने वाला है अलम या अलमु क्या उन्होंने नहीं जाना अलम या अलमु क्या उन्होंने नहीं जाना अन्न अल्लाह बेशक अल्लाह हुआ वो यकबलु तौबता अन इबादिही वो अपने बंदों की तोबा को कबूल करता है अनल्ला बेश हुआ यबल तोबा वो तोबा को कबूल करते हैं इबाद ही अपने बंदों से व यक ख़ुदक और सदक़त को लेता है वो अपने बंदों की तोबा को कबूल करता है और उनके मतलब सदक़त को भी अल्लाह रबुल्जत कबूल करता है व अन्ला और बेश या और ये कि के अल्ला तवाबीम वो तोबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है तो अल्लाह की भी है सिफ आप पढ़ चुके हैं लेवल वन सूरत नसर में आपने पढ़ा था इन ना तब्वाबा तो वो बेशक तोबा कबूल करने वाला और बहुत रहम करने वाला है जी वम एलू और कह दीजिए अमल करो आमिलालु अमल करो फर अम यरा देखेगा अल्लाह अमल तुम्हारे अमाल को वसूल हो और उसका रसूल विन और मोमिन यानी तुम अमल करो आने वाले वक्त में तुम्हारे अमल के जरिए पता चल जाएगा कि तुम्हारा शुमार किन में हो रहा है वस तो दूना फेल मझूल है पैसी वाइस और करीब तुम लौटाए जाओगे इलामिलबी व शहादा आलिमुलईब व शहादा की तरफ मतलब ज़ाहरी और छुपी बातों को जानने वाले की तरफ गैब मतलब छुपी हुई अर शहादा ज़ाहिर फ़यनब बी उम पस वो ख़बर देगा तुम्हें किस चीज़ की बीमा कुन तुम तमल उसकी जो तुम अमल करते थे जो तुम अमल करते थे अल्लाह तुम्हें उसकी खबर देगा अब देखिए तीसरे ग्रोह का जिक्र यहां पर आयत नंबर 106 में तीसरे ग्रोह का जिक्र किया गया देखिए, दो ग्रोह गुजर गए एक मुनाफिकीन का ग्रोह जिनके अजाब के बारे में हतमी फैसला कर दिया गया दूसरा वो बाहबा कराम जो गजबे में गजवा तबोक पर नहीं जा सके लेकिन ने कमाल भी करते हैं ईमान के पुख्ते हैं मुनाफिकीन में उनका शुमार नहीं होता उन लोगों का तो अल्लाह इज़्ज़त ने बता दिया उम्मीद है कि अल्लाह इनकी तोबा कबूल करे तीसरा ग्रोह है जिसके बारे में फ़िलहाल खामोशी इख्तियार की गई और इसमें तीन सहाबा आते हैं आयत नंबर एक सौ छः में उनका जिक्र है यहाँ पर मुख्तसर जिक्र है और आगे चलकर जिक्र है अल्लाह ने फरमाया वह आखरूना और दूसरे मुर जाऊना मुर जाऊना ले अमरिल्ला अल्लाह के फैसले के लिए उनको मोखर किया गया लेट किया गया ताखिर से है अल्लाह के फैसले के लिए वो मोखर किए गए हैं अच्छा क्या फैसला इमांजिबहम या तो वो दे उन्हें इम्मा या युवाजो अजाबे हम उन्हें व इम्मा और या यातुब आलिम उनकी तोबा कबूल करे या अल्लाह उन्हें दे या उनकी तोबा कबूल करे और अल्लाह उन इल्म रखने वाला हकीम हिकमत वाला है और अल्लाह इल्म रखने वाला हिकमत वाला है आगे चल कर इनका तफ़ीलीर आएगा सफ़र नंबर दो सौ चार की तरफ चलते हैं इस पेज पर अल्लाह इज़्ज़त ने पहले तीन मौजूद के अंदर मसाजिद का जिक्र किया मस्जिद की बुनियाद किस चीज़ पर होनी चाहिए और मस्जिद की बुनियाद किस चीज़ पर नहीं होनी चाहिए ठीक है और जो चौथा मौजू है उसके अंदर अल्लाह इज़्ज़त ने अहले ईमान से जो अल्लाह ने सौदा किया अल्लाह ने उसके बारे में बताया सवाल है या जी मुर जाऊना मुर जाउना का मतलब है कि मुर जून अली अमरिल्ला अल्लाह के फैसले के लिए उनको लेट किया गया मतलब उनको मौखर कर दिया गया उनके बारे में खामोशी इख्तियार की गई अभी अल्लाह का फैसला नहीं आया कि अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल की या फिर उनका शुमार मुनाफिक में से है अभी अल्लाह का यह फैसला नहीं आया ठीक है जी और मैंने कहा आए तो मेरे एक सौ छः में उनका इजमाली जिक्र है आगे चलकर उनका तफसी जिक्र आ रहा है आज के सेशन में तो चलिए जी मसाजिद का एक वो मस्जिद जो मुनाफिकीन ने बनाई जिसे मस्जिद दिरार कहा गया ठीक है और उसके मदे मुकाबिल जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई उसका जिक्र है तो चलिए इन दोनों तरह की मसाजिद का जिक्र थी और ख़ास कर वो लोग जिन्हें अल्लाह रबुल्ज़त ने मसाजिद का इंतज़ाम सराम संभालने की तोफ़ी अता की है उनके लिए ये आयात बहुत ज़रूरी आयात है अल्लाह ने फरमाया यहाँ पर अल्लाह ने मुनाफिकीन ने जो मस्जिद बनाई थी मस्जिद दरार जिसे कहा गया उसके चार मकासद बयान किए कि वो मस्जिद मुनाफिकीन ने इन चार मकसदों के लिए बनाई है इन चार मकासद के लिए बनाई है पहले तर्जमा सुनिए वी नखद और वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिदन मस्जिद जिन्होंने मस्जिद बनाई दिर नुकसान पहुंचाने के लिए दिरारन नुकसान के लिए नुकसान की गरज से मतलब अहले ईमान को नुकसान पहुंचाने के लिए व कुफरन और कुफर के लिए नंबर तीन बैन अल बेमिन और मोमिनीन अहले ईमान के दरमियान तफरीक के लिए अहले ईमान के दरमियान फिरका डालने के लिए नंबर चार व इरसादन लिमन हारब अल्लाह वह रसूल हूँ मिन क़बलो और इर्धन का मतलब है कि देखें इस इस लफ्ज़ के मफहम की तशरी के लिए भी आपको पहले एक यानी एक एक, एक लफ्ज़ में इसकी तशरी मुमकिन नहीं है एक लफ्ज़ में इस एक लफ्ज के अंदर इस इस लफ्ज का अरबी ज़ुबान के इर्साधन इसका तर्जमा मुमकिन नहीं है आप उसका मफहम सुनिए मतलब ये है कि दो ग्रोह हैं अहले ईमान का और अहले निफाक का मुनाफिकीन अब मुनाफिकीन क्या करते हैं मुनाफिकीन अहले ईमान के मुकाबले में जो कुफार हैं कुफार हैं उनको कोई मदद फराहम करते हैं ठीक है ठीके? या ऐसे लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर चुके हैं यानी मुसलमानों के दुश्मन हैं कुफार हैं चाहे वो ईसाई हैं यह न हैं, कोई भी हैं या मक्का के मश्रकिन हैं अब मुनाफिकीन क्या करते हैं उनमें से कुछ लोगों को एक मदद फराहम करते हैं तो ये भी मस्जिद दरार का चौथा मकसद था इरसादन मदद फ्राहम करने के लिए किसकी लिमन हारबल्ला जो अल्लाह से जंग करे व रसूला और उसके रसूल से मिन कबलू इससे पहले जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर चुका है इससे पहले उसको तकवीत और मदद फ्राहम करने के लिए इस मस्जिद को बनाया गया समझ आ गई ना आपको तो ये चार मकासदे वफुन्ना और अनकरीब वो कस्मे खाएंगे वाओ और लाम का मतलब ताक़ीद के लिए अलबत्ता ठीक है और फेल मुजारे के आखिर में देखे नून भी आ रहा है ताकिद का शुरू में लाम भी आ रहा है और तीसरी ताकीद ये अल्फाज हैं कसम के अल्फाज हल्फ और अलबत्ता वो ज़रूर कस्में उठाएंगे इन आरदना बताइए चैट में इनका मतलब क्या करेंगे इन आरदना इलहस्ना अल्लाह अकबर माशा बारक बारकल्ला हफीक माशा बहुत जवाब दुरुस्त आए इनका मतलब यहां क्या करेंगे नहीं क्योंकि इल्ला से पहले आ रहे ना अगर के माने में नहीं होगा इन अरदना नहीं हमने इरादा किया अल हुसन मगर अच्छाई का मुनाफिकीन कस्मे खाएंगे कि हमारा इरादा तो अच्छाई का था इस मस्जिद से वल्ला शादु और अल्लाह गवाही गवाही देता है इन न हमलाबो उनके बेशक अलबत् वह जूठे हैं अल्लाह गवाही देता है कि वह जूठे हैं वो अपने इस दावे में इन कस्मों में सच्चे नहीं हैं उनका अच्छाई हुसन उनका अच्छाई का इरादा नहीं था बल्कि अल्लाह ने फरमा दिया ये चार मकासद थे मस्जिद के दिरन कुफरन, तफरीकन और इरसादन, अल्लाह उक्र ये चार मकासद थे जी अहल नफा के मुनाफिकीन के उस मस्जिद को बनाने के अब देखे हुआ इस तरह के जब अल्लाह के रसूल सल्हुसम गज़वा तबूक की तरफ़ निकल रहे थे तो ये बाज़ मुनाफिकीन आए और आकर इन्होंने बाज़ मुनाफिकीन आए और आकर इन्होंने क्या किया आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश का मौसम होता है या कोई भी तंगी होती है तो हमारे बाद कमज़ोर या ज़ीफ़ लोग जो हैं वो मस्जिद नब्बी तक नहीं आ सकते तो हम एक मस्जिद बनाना चाहते हैं अपने कमज़ोर और ज़िफ़ लोगों के लिए तो हमारी ये ख्वाहिश है कि आप आकर उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें असल में वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ पर नमाज पढ़ा कर मदीना की उस इस्लामी रियासत में उस मस्जिद को बाकायदा कानूनी हैसियत दिलवाना चाह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम आकर नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी भी कोई अहमियत और हैसियत और हमारी मस्जिद का भी एक ये बका का बाइस हो जाएगा लेकिन सफर से वापसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माजरत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गजबा से वापस लौटेंगे तो फिर देखेंगे और आप सल सल्लाम ने उन्हें इनकार नहीं किया फिर अल्लाह रबुल्जत की तरफ से वही के जरिए नबी करीम वसल्लम को उस मस्जिद में जाने से पहले उस मस्जिद के मकासद के बारे में बता दिया गया अगली आज भी देखिए फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म भी दे दिया गया कि लातकुम फी ही अब हरगिज उसमें खड़े मत हो लातकम हरगिज ना खड़े हो फी ही उसमें यानी उस मस्जिद दरार में, में अब कभी भी मतलब आप उस मस्जिद में मत जाइए नमाज पढ़ने के लिए अब किस मस्जिद में जाइए या क्या कौन सी मस्जिद ज्यादा हक रखती है जिसमें आप जाए और क्याम करें अल्लाह ने फरमाया अल्ला मस्जिद अलबत् वो मस्जिद उस सीसा जिसकी बुनियाद रखी गई है अल तकवा तकवा पर मिन अवाली योमिन पहले दिन से वो मस्जिद के पहले दिन से जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है उस सीसा फेल मझूल है असास, असास बुनियाद को कहते हैं ना, पहले दिन से जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई है अहक इसम तफदील अशदु की तरह अहकू ज़्यादा हक रखती है अन ये कि तकुमा फ़ी ही आप उसमें खड़े हों जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई है वो ज़्यादा हक रखती है कि आप उसमें खड़े हो फी ही रिजायल उस में अशास हैं योिब्बूना जो पसंद करते हैं वो ये कि वो पाक साफ हो तहारत को इख्तियार करें उसमें ऐसे रिजाल हैं जो तहारत को या पाकिजगी को इख्तियार करना पसंद करते हैं वल्लाहु और अल्लाह युहबुलमुरीन और अल्लाह तहारत इख्तियार करने वालों को पाकिजा रहने वाले को अल्ला पसंद करता है अल्लाह पाकिज़ा रहने वालों को तहारत को इख्तियार करने वाले को अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है तो वो खुश नसीब अश जिनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं उनके अंदर वो खुश नसीब भी हैं जो तहारत का अहतमाम इहति, करते हैं और इसके अंदर याद रखिए दोनों तरह की तहारत आ जाती है बातनी भी और ज़ाहिर भी बातनी तहारत तोबा के जरिए और ज़ाहरी तहारत वज़ू और गुसल और लिबास और रहन सहन को पाक साफ रखकर फरमायाबुलता और अल्लाह तहारत इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करता है ठीक है जी बारक फीकुम जी फी ही दो मरतबा या बिल्कुल दुरुस्त साहब ने कहा देखिए तर्जमा दोबारा सुने कि जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई वो ज्यादा हक रखती है हक को ज्यादा रख रखती है अन फी ही ये कि आप उस में क्याम करें आप उस मस्जिद में कयाम करें फिर कहा गया फी ही रिजाल उस मस्जिद में कुछ रिजाल हैं कुछ बंदे हैं समझा कि ना तो एक का पहले वाले के साथ है और एक का ताल्लुक बाहर वाले के साथ है जी अतः और मुताहिरीन का फर्क क्या है तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है वो तताहरा तताह यानी कि तदब बरा

बलहाल ये इसम फाइल है इतारा तहारू से इसम फाइल है जी तो याद रखिए अच्छा बाद मुफत ने कहा इसे मुराद मस्जिद कुबा है और ये राय ज्यादा राजे है अहादीस के मुताबिक भी लेकिन बाद मुफत ने कहा इसे मुराद मस्जिद नब्वी है तो दोनों मस्जिदें हो सकती हैं बाज ने दरमियानी राय पेश की कि मस्जिद कुबा और मस्जिद नब्वी दोनों मुराद हो सकती हैं क्योंकि दोनों की बुनियाद तकवा पर रखी गई है क्योंकि दोनों की बुनियाद ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी तो दोनों की बुनियाद तकवा पर रखी गई है तो ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद कुबा या मस्जिद में मस्जिद नफी में उस मस्जिद में खड़े हों जिसकी बुनियाद तकवा पर है वो ज्यादा हक रखती है मस्जिद जिरार के मुकाबले में अब देखिए अल्लाह अकबर फरमाया आफा मन क्या पास वो जो अससा जिसने बुनियाद रखी बुनियान हो असा बुनियाद रखी बुनियान हो अपनी इमारत की बुनियान इमारत को कहते हैं बुनियान हो अपनी इमारत जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी किस चीज़ पर अला तकवा अल्लाह के तकबा पर नंबर दो वदवा और अल्लाह की खुशनुदी पर तो याद रखिए मसाजिद की बुनियाद मसाजिद की बेस इन दो चीज़ों पर होती है तकवा और अल्लाह की खुशनुदी बोलिए तकवा और अल्लाह की अल्लाह ने फरमाया जिसने उस इमारत की बुनियाद तकवा और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी खैर वो ज्यादा बेहतर है खैर वो बेहतर है अम या वो बेहतर है या मन असा बुनिया ना हो या जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की आला शफा शफा का मतलब है किनारा शफा का मतलब किनारा ठीक है जी आला शफा किनारे पर जोरोफिन एक तोदे के तोदे का मतलब पता है ना आपको जो किसी भी पहाड़ी का बिल्कुल आखिरी किनारा होता है और वो जो उस जगह एक बहुत बड़ी चिटान या एक तोदा होता है तोदे के किनारे पर हारिन हारिन का मतलब है गिरने वाला एक गिरने वाले तोदे के किनारे पर जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी अल्लाह अकबर फनहारा भी ही फी नारी जहन्नमा फनहारा बिही तो वो तोदा गिर पड़ा कहां पर फी नारी जहन्ना जहन्नम की आग में तो ये मस्जिद जिरार की मिसाल बयान की गई कि ये जो जिस मस्जिद की बुनियाद तकवा और अल्लाह की खुशनुदी पर नहीं है तो उस इमारत की बुनियाद ऐसे ही है जैसे किसी ने पहाड़ी तोदे के किनारे पर अपनी इमारत की बुनियाद रखी जब तोदा गिरा तो इमारत भी गई याद रखिए कोई भी अक्लमंद कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि ऐसी ख़तरनाक जगह पर अपनी इमारत की बुनियाद रखे तो ये अहले निफाक की मिसाल है अल्लाह अकबर फन हार अभी ही फिनारी जहन्नम। बाद बहुत मुफसरीन ने यह भी कहा बड़ी खूबसूरत आए थे बाद मुफसरीन ने भी कहा कि इससे बुनियाद इससे इंसान का अक़ीदा भी मुराद हो सकता है कि जिसने अपनी अकीदे की बुनियाद तकवा और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी मजबूत अकीदा है उसका अफाम सा बनिया ना हो अकदे के अंदर ईमानियात अल्लाह पर तोल अल्लाह की मोहब्बत हैं जी कुफ़र से नफ़रत इस्लाम और अहले इस्लाम से मोहब्बत ये सारी चीज़ें इनका ताल्लुक़ इस्लाम के अक़ायद में है जिसने अपने अकीदे की बुनियादी चीज़ों पर रखी हाँ वो तो कामयाब है और अगर किसी की अक़ीदे की बुनियादी चीज़ों पर नहीं है तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे पहाड़ी के एक तोदे के ऊपर उसने अपनी इमारत की बुनियाद रख दी यानी उसका अकीदा बड़ा मजबूत है ज़रा सी परेशानी आई तो वो अपने रब को भूल जाता है अल्लाह से तवक्कुल उसका उठ जाता है वो मायूसी की तरफ़ चला जाता है शैतान के पीछे लग जाता है वो गैरुल्ला को पूजना शुरू हो जाता है तो ये बाद मुफसरीन ने बड़ा ख़ूबसूरत नुकता उठाया कि इससे मुराद इंसान का अक़ीदा भी हो सकता है और इससे मुराद मस्जिद की बुनियादें भी हो सकती हैं वाह ला कौम दिलकौमालमीन अल्लाह ालिम कौम को हिदायत नहीं देता अब अल्लाह ने फरमाया ला यह ज़ालबियान हम मुनाफिकीन का एक हकीकत बना बता दी ला यजाल हमेशा रहेंगी अच्छा जी ला यजालू गालबन दो तीन दिन पहले मेरे से सवाल भी हुआ शायद आप में से किसी ने पूछा हो ला यजालू का मतलब है हमेशा के माना में आता है तो फिर ला भी है तो ला का तर्जमी नहीं, नहीं नहीं ये याद रखिए आप पढ़ कर आए हैं लेवल फाइव में जो आपने मा जला पढ़ा था ना काना और उसकी बहनें लेवल फोर में काना और उसकी बहनें तो उन्हीं में से एक था मा जाला मा ला फेल माजी में है और फेल मुजारे में है ला या तो ये नफी के माना में नहीं है ना मा या नफ़ी के माना में है ना ला या नफी के माना में बल्कि माना में है हमेशगी के माना में हमारे एक टीचर थे उन्होंने इसको याद करने के लिए एक बड़ा अच्छा कुलिया बताया उन्होंने कहा कि देखें आपकी मैथमेटिक्स में जब प्लस प्लस हाँ जी प्लस प्लस दोनों जमा हो जाए तो क्या होता है सॉरी माइनस माइनस जमा होके प्लस बन जाते हैं ऐसे ही ना यानी दो एक तरह के साइन हो जाए तो यहां पर भी ला नेगेटिव माना में नहीं और यजाल उजाल यजूल उज़ाइल होना खत्म होना के माना में तो देखिये दोनों नफी आपस में मिले तो तर्जमा क्या हो गया हमेशा पॉजिटिव माना हो गया मुस्बत यानी हमेशा रहेंगी क्या बुनियान हम उनकी बुनियान उनकी इमारत उनकी इमारत हमेशा रहेगी अल्लादी बनाऊ जिसको उन्होंने बनाया जिस इमारत को उन्होंने बनाया वो हमेशा रहेगी री शक का बाइस फ़ीक़ुलम उनके दिलों में मुनाफिकीन अब देखिए अल्लाह के अल्लाह के हुक्म से उनकी उस मस्जिद को गिरा दिया गया जिसकी बुनियाद तकवा और अल्लाह की खुशनुदी पर नहीं थी जब मुनाफिकीन की उस मस्जिद को गिरा दिया गया अल्लाह ने उनकी उस हकीकत को बता दिया और उसको गिरा दिया गया अब देखिए अल्लाह ने बता दिया कि ये जो उन्होंने जिस चीज़ पर इमारत को कायम किया था ये उनकी मौत तक उनके दिल में शक पैदा करता रहेगा जिस चीज़ पर उन्होंने अपनी इमारत को बनाया ये हमेशा उनके दिलों में किसका बायस रहेगी री बतन, शक का बायस भी उनके दिलों में इल्ला मगर हाँ सवाए ये के अंत उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए इससे मौत मुराद है मतलब वो मर जाएं तो ठीक है वरना उनके दिल के अंदर जब तक जिंदा है यह चीज शक का बाइस रहेगी वल्लाहु और अल्लाह आलीम इल्म रखने वाला हकीम हिकमत वाला है अल्लाह इल्म रखने वाला हिकमत वाला है अल्लाह हु अकबर बड़ी खूबसूरत आयत आयत नंबर 111। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन अल्लाह बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मिनल मोमिनीना मोमिनों से अनफुसाहुम उन उनकी जानों को अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों को खरीद लिया है वहम और उनके मालों को किस चीज के बदले में बा यहां बदले के माना में है बे न लहुम बदले में इसके कि उनके लिए जन्नत है अल्लाह ने अहल ईमान से उनकी जानों और उनके मालों का सौदा कर लिया है कि उनके लिए जन्नत है जन्नत के बदले में युकातिलून फी सभी वो अल्लाह की राम किताल करते हैं फ़त वो कतल करते हैं ठीक है यानी दुश्मन को कतल करते हैं एक्टिवाइज है वाइज है वो दुश्मन को कत्ल करते हैं व यु तून और कतल होते हैं दुश्मन को कतल करते हैं और ख़ुद भी कतल होते हैं मतलब खुद भी शहीद होते हैं मारते भी हैं और ख़ुद भी शहादत के रुतबे को पाते हैं वाहन अली ये उस पर सच्चा वादा है वादन अली हक़न ये ये उस पर सच्चा वादा है ना सिर्फ कुरान बल्कि फिर तौरात तौरात में भी वल इंजील और इंजील में भी वल कुरान और कुरान में भी यानी हमारी उम्मत महमदिया में या हमसे पहले जो अम्मतें थीं जिन पर तौरात और जेल नाजिल की गई बनी इसराइल उनसे भी अल्लाह इज़्ज़त ने उनके जानों और जन्नत का सौदा कर दियातुल्बकर के अंदर तफसील से बनी इसराइल के जिहाद का जिक्र गुजर चुका है अल्लाह ने फरमाया वमन औा और जो पूरा करे या फिर यहां पर औोफा जो है ये इसम तफदील इसम तफ्ल का लफ वमन अवफा वमन मन, मन? मन यहां पर कौन के माना में हो जाएगा मन के दो मतलब है ना जो और कौन तो यहां पर कौन के माना में और कौन है अवफा ज्यादा पूरा करने वाला ब्याज दी ही अपने को, मीन अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह के मुकाबले में कौन है अपने अहद को ज्यादा पूरा करने वाला मतलब ये अल्लाह का वादा है रात में झील में कुरान में अल्लाह का जन्नत का वादा है और अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है फस्तब शिरु पस खुशखबरी है बशारत है बिबई ए तुम बिबई एम तुम्हारी बैत के साथ तुम्हारी इस बैत पर तुम्हारे लिए खुशियाँ हैं अपनी इस बैत पर खुशियाँ मनाओी जो बैत जो कि बा तुम तुमने बैत की बिही उसकी बा या आसबो जो बैत तुमने की उस पर खुशियां मनाओ विका और ये फौजुल अज़ीम और यही तो बड़ी कामयाबी है और यही तो बड़ी कामयाबी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से सफ़ा नंबर दो सौ चार मुकमल हुआ सफ़ा नंबर दो सौ पांच की तरफ जाते हैं इस सफ़े पर आयत नंबर एक सौ बारह से लेकर एक सौ सत्रह तक की आयात है जिनको मुख्ति मौजुआत के अंदर मुख्तिफ़ इशारात के अंदर तकसीम किया गया अल्लाह रबुल्ज़त ने यहाँ अहल ईमान की सिफात को जिक्र किया इशारे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है दस सिफात पर बशारत है उसके अंदर मोमिन यानी ईमान की सिफ भी शामिल है और नीचे जो मौजू में लिखा गया नौ सफ़ात क्योंकि वह अहल ईमान की नौ सफ़ातें आप शुमार कीजिए कौन सी नौ सफ़ात सबसे पहली सिफ़ अबोन तोबा करने वाले अच्छा ये जितने भी अल्फाज आएंगे ना ये सब इसम फाइल की जमा है इसम फाइल की जमा जमा सालिम जिसके आखिर में नून लगता है ठीक है ना जमा सालिम है अता इ तोबा करने वाले अलाबीदों इबादत करने वाले अल्द हमद करने वाले असन सान के दो तर्जमे किए गए या तो ये कि रोज़े रखने वाले या फिर ये कि अल्लाह की राम में निकलने वाले सियाहत से है उर्दू में जो आप कहते हैं ना सियाहत सफ़र के माना में तो अल्लाह की रहा में निकलने वाले यानी सैर व तफरी वाली सियाहत नहीं बल्कि अल्लाह की राह में जो जिहाद वगैरह या इल्म के हुसूल के लिए जो सफ़र करते हैं यह हज उमरे का सफ़र है ये चार सिफात नंबर पाँच अर्रा रुकू करने वाले असाजिद सजदा करने वाले अल-आमिरों बिल आामूफ नेकी का हुक्म देने वाले वन ना हूं ना अनिल मुनकर बुराई से मना करने वाले वल वलहा और हिफाजत करने वाले दिला की हदूद की अल्लाह ने जो हद मकर की हैं हलालो हराम की उसकी हिफाजत करने वाले हलाल को ना छोड़ने वाले और हराम को ना इख्तियार करने वाले अब ये नौ सफात हैं ये जिनकी नौ सिफात हैं वो अहल ईमान हैं। अल्लाह ने फरमाया वशन और ईमान वालों को खुशखबरी दीजिए अल्लाह अकबर और ईमान वालों को खुशखबरी दीजिए बड़ी खूबसूरत आयात है जी मा कैन नबी ये नबी करीम सल वसलम के चचा तफासिर के अंदर इसकी तफसील मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सही बुखारी के अंदर भी ये रवायात मौजूद हैं दीगर कुतब अदीस के अंदर भी और तकरीबन तफसीर की जितनी भी अथेंटिक बुक्स हैं तफसीर अबिन कसीर और दीगर किताबों के अंदर हमें ये तफसीर मिलती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब जो थे जब उनकी मौत का वक्त करीब आया अब चूँकि हज़रत अबू तालिब जो थे उन्होंने इस्लाम की बहुत ज़्यादा मदद की थी अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल्म की मदद की आपको सपोर्ट किया जब लोगों ने और आपके करीबी रिश्तेदारों ने आपको छोड़ा नबी इक्रीम सलील वम की शदीद ख़्वाहिश थी कि हज़रत अबू तालिब क्या करें ईमान ले आएँ जब उनकी मौत का वक्त करीब आया नबी करीम सल्लाम उनके पास तशरीफ़ लेकर फरमाए मेरे चचा आप कलमा पढ़ लीजिए मैं अल्लाह के यहाँ क्यामत के दिन इसको बतौर दलील पेश करूँगा बतौर हजत अबू जहल और दीगर जो मक्का के सरदार बैठे थे उन्होंने कहा कि अबू तालिब क्या मरने के वक्त अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे तो हज़रत अबू तालिब ने दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया जैसा कि सही बुखारी और दीगर अदीस के अंदर है अब चूंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया इस्लाम का साथ दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अल्लाह से मगफ़रत की दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके जवाब में इस आयत करीमा आयत नंबर एक सौ तेरह को नाजिल किया अब आपको बैकग्राउंड समझ आ गया अब आप इस आयत का तर्जमा सुनिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मा कान अली नबी नहीं जेब नबी के लिए या नहीं है नबी के लिए वदीना आमनू और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए क्या अं यज तकफिर ये कि वो इस्तिगफार करें ये कि वो मगफिरत तलब करें किस के लिए मकफ़िरत तलब करें जी लिलमशरक मशरकिन के लिए नबी या अहले ईमान के लिए नहीं है कि वो मशरकिन के लिए इस्तफार करें वल कानू अगरचे वो हों उर्बा क़ुरबत वाले करीबी रिश्तेदार उली वाले के माना में है अगरचे वो क़रीबी रिश्तेदार ही क्यों ना होमबादी बाद इसके माँ तबयया नलहुम जो उनके लिए वाज हो गया माँ जो तबैया न वाजे हो गया लहुम उनके लिए यानी उनका शिरक पर इस दुनिया से जाना वाज हो चुका है तो नबी अहले ईमान को यह जेब नहीं देता कि उनके लिए इस्तार करें अन नहम बेशक वो असहाबुलजह जहीम।, जहीम है जहीम जो है ये जहन्नम की सफ़ात या नामों में से एक नाम अलजहीम है तो वो जहन्नुम के साथी हैं वो जहन्नुम वाले हैं अल्लाह अब अल्लाह इज़्ज़त ने जो हजरत सलाम ने इब्तिदा के अंदर अपने वालद गिरामी के लिए अल्लाह से मक्सरत चाही थी अल्लाह इज़्ज़त ने उसकी हकीकत बतलाई एक सौ चौदह में व्या क्या वमा क्याफार इब्राहिमा और नहीं था हजरत इब्राहिम आलम का मकसरत तलब करना ली अभी ही अपने वाले के लिए हजरत इब्राहिम आलिम का अपने वाले के लिए इस्तीफार करना नहीं था इल्ला मगर इल्ला मगर आम मवादीन आन मोहद तीन आम मवादा एक वादे से मवादा वादे के माना में एक वादे से वायदाह जिसका उसने वादा किया था हजरत इब्राहिम ने जो वादा किया था देखिए उन्होंने अपने वाली से कहा था ना कि मैं अपने रब से आपके लिए इस्तफार तलब करूंगा तो ये उस वादे को पूरा करना था जो उन्होंने कहा था अच्छा कब तक अल्लाह ने फरमाया फलम पस जब तबैया न लहू उसके लिए वाजे हो गया पस जब उसके लिए वाजे हो गया क्या वाजे हो गया अन्नहु लिल्ला। ये कि वो अल्लाह का दुश्मन है यानी उनका वालिद जो है वो अल्लाह का दुश्मन है मतलब अल्लाह के साथ शिर करने वाला है ना सिर्फ शिर करने वाला बल्कि बुतों की खरीदो फरोख्त करने वाला है शिर को रवाज देने वाला है मुआशरे के अंदर जब उनके लिए ये वाजह हो गया तबर्रमिन हूँ तो वह उससे बरी हो उन्होंने उससे बरात का इजहार कर दिया बरात की इसको कहते हैं ल का इजहार कर दिया इब्राहिमा बेशक इब्राहिम लावा कहते हैं नरम दिल हलीम बुरदबार बेशक इब्राहिम आलाम तो बड़े नरम दिल के बुरदबार थे तो उन्होंने जो अपने वालिद के लिए इस्तफार किया ये उनके दिल की नरमी और उनकी बुरद थी जो अपने वालिद के लिए भी इस्तफार किया लेकिन जब मामला बिल्कुल वाज हो गया तो फिर उन्होंने क्या किया तबर्र अमीन हो उन्होंने इससे बरात का इजहार कर दिया जी वमा कान क्या उदिल्ला कौमन अब देखिए जब ये आयात नाजिल हुई तो बाज ऐसे लोग थे जो अपने शर की हालत में फोत हो जाने वाले रिश्तेदारों के लिए मगफरत उन्होंने मांगी उन्होंने इस्तेफ़ार किया अब उनके दिल में ये सवाल आया कि ये तो जायज़ नहीं है कि मुशरकिन के लिए दुआई मगफिरत की जाए तो हमने जो इससे पहले दुआ की हमारा क्या बनेगा तो अल्लाह रबुलजत ने अगली हयात में उनके बारे में फरमा दिया अल्लाह ने फरमाया वमा का नहीं है अल्लाह वामा का ना नहीं है अल्ला कमन ये कि वह गुमराह करे किसी कौम को नहीं है अल्लाह के किसी कौम को गुमराह करे बद इज इस जब हदा उसने हिदायत दी हूं अल्लाह किसी कौम को गुमराह करने वाला नहीं है उनको हिदायत देने के बाद कब तक हत्ता यहां तक के युबई ये उनके लिए वाज करें माँ खुन जिससे वो बचे तकवा का लफ्जी मतलब बचना होता है तो फेल मुजारे जिससे वो बचे तो अल्लाह रबुल्जत किसी कौम को गुमराह नहीं करता हिदायत के बाद जब तक कि अल्लाह उनके लिए वाजे ना कर दे जिससे वो बचे तो मतलब ये कि अभी तक अल्लाह ने मुशरकिन के लिए इस्तफार से मना नहीं किया था तो रब्बुल इज़्ज़त इस पर गुमराह करने वाला या पकड़ करने वाला नहीं है हाँ अब वाज हो चुका तो आने वाले वक्त में ऐसे शर करने वाले और शर की हालत में फोत हो जाने वालों के लिए दुआ मगफिरत जायज नहीं है अल्लाह ने फरमाया इन बेशक अल्लाह लिश इन हर चीज़ का अलीम बहुत रखने वाला है इन अल्लाह बेशक अल्लाह लहू मुल्क वल अर्द उसी के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत यु ही ज़िंदा करता है वह युमीत और मौत देता है व मकुम और नहीं है तुम्हारे लिए मिन के अलावा मम वली कोई मददगार वलानम वली कोई दोस्त नसीर और ना ही मददगार तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई दोस्त या मददगार नहीं है लक्लाहू लफ्ज़ तोबा जो होता है ये कई एक मानी के लिए इस्तेमाल होता है कई एक महान मानी के लिए मसलन तोबा जो है ये गुनाहों से रुझू के माने में भी इस्तेमाल होता है तोबा जो है ये तवज्जो करना मेहरबानी करना रुजू करना ये सारे मीनिंग में मानी के अंदर इस्तेमाल होता है तो यहां पर जो तोबा का मतलब है वो मेहरबानी फरमाते हुए तवज्जो करना ठीक है लकत ताब अल्लाह अलबत् तहकीक अल्लाह ने जैसा कि यहाँ पर मैंने इस मौजू को बदला यहाँ पर आप लोग देखिए हाँ जी लकत ताब अल्लाह अलबत् तहकीक अल्लाह ने मेहरबानी से तवज्जो की आल नबी नबी पर वल मुहाजरीन और महाजरीन पर वल अनसार और अनसार पर महाजरीन अनसार और नबी पर अल्ला ने तोज् फ़रमाई अल्लादीन तबाऊ वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा की अल्दीन जिन्होंने इतबा इतबा की हो उसकी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब इतबा की कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले फ़ी सातल तंगी के उस लम्हे में सा का मतलब घड़ी होता है तंगी की उस घड़ी में मतलब इसी मैंने कहा ना इसी लफ इसको आयतम एक सौ सत्रह में जो सातिलसरा कहा गया तो इसी वजह से गजवा तबो का दूसरा नाम गजवासरा भी रखा गया मिन बाके बादी। बादी मा का दी वो फरीक मिन होम बाद इसके के करीब था माँ कादा जो करीब था यजीगो कलूब फरीक उनमें से एक ग्रोहों के दिल में तजल्स आ जाता जय का लफ्जी मतलब होता है ना राह रास से हटना यानी तजल्जुल का शिकार हो जाना तो एक आप देखिए मैंने जैसा कहा भी कि ये जो गजवा था बड़ा सख्ती वाला गर्मी का मौसम फल त्यौहार तो अहले ईमान के दिलों के अंदर भी ये ख्याल आया कि इन दिनों के अंदर तबो की तरफ पेशकदमी करना अल्लाह अखबर तो अल्लाह रबुल्ज़त ने उनकी तरफ उनकी उनकी तरफ रुजू किया अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल की उनकी तरफ अल्लाह ने मेहरबानी से तोज़ फ़रमाई जिनके दिलों में ये ख्याल आया लेकिन वह सच्चे मोमिन थे फिर वह जब अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल्लम का इरादा था तो वह आपल व् के साथ बाखुशी निकल पड़े मताब आल देखिए दूसरी मरतबा फरमाया फम मताब आलिम फिर अल्लाह ने उनकी तरफ तोज्जो फरमाई इन न हो बेश वो बिहि उनके साथ यानी महाजरीन अंसार और नबी के साथ रफ मेहरबान रहीम रहम करने वाला है अल्लाह उन पर शफीक और रहम करने वाला है जी तो आज के आखिरी पेज की तरफ चलते हैं अल्लाह अकबर पहला मौजू उस तीसरे ग्रोह के बारे में है जिनके मामले को मौखर रखा गया है पढ़ चुके हैं दो ग्रोहों का जिक्र तो गुजर गया एक वो जो मुनाफिकीन है दूसरे वो जिनके बारे में कहा गया कि अल्लाह करीब है तुम उनकी तोबह कबूल करें तीसरा ग्रोह जिनका मामला मोखर किया गया उनका मामला थोड़ा मोखर कर दिया गया अब इस टॉपिक के अंदर उनका जिक्र है वह सलासती और उन तीनों पर वो अलसा और तो उन तीनों पर किन तीनों पर अल जो खुल्लिफ वो पीछे रह गए थे या पीछे छोड़ दिए गए थे वो तीन जो पीछे छोड़ दिए गए थे हती यहाँ तक के हती यहाँ तक के इदा गा जब तंग हो गई अलहिम मुन पर अलद जमीन बीमार अहबत जो खुली थी जो ज़मीन बड़ी कुशादा थी उन पर तंग हो गई फम और उन पर उनकी जान भी तंग हो गई वजन नो और उन्होंने गुमान कर लिया अल्लाह मल कि कोई पना नहीं है मीन अल्लाह से अल्ला मगर इले ही उसी की तरफ कोई पना नहीं है मगर उसी की तरफ मताब अलहिम फिर अल्लाह ने उनकी तोबा को कबूल किया फिर अल्लाह ने उनकी तरफ तो फरमाई ली तू बू ताकि वह तोबा करें ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें इन अल्लाह बेशवाब्रराम अल्लाह तोबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है अल्लाह अकबर तो ये जो आयत करीमा ना आयत नंबर एक सौ अठारह में आप लोगों से कहता हूँ आप जरूर इसकी तफसीर पढ़िएगा किसी जो तफसली तफसी जो कोई तफसीर है ना आप उसकी तफसीर पढ़िएगा और इस आयत करीमा को समझने के लिए थोड़ा सा इसका मफहम समझिए तीन सहाबे ऐसे थे जो सच्चे ईमान वाले थे पुख्ता ईमान वाले लेकिन वो आप कह लीजिए कि सुस्ती की वजह से कल निकल जाएंगे चले आज अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीस हजार का लश्कर निकल गया तो हम कल सफ़र करेंगे कल आया तो उन्होंने कहा चले परसों करेंगे करते करते वो लश्कर निकल गया और वो नहीं ये नहीं जा सके ये तीन सहाबा कौन से थे ये तीन सहाबा हमारे उस के नाम कहा करते थे इन तीनों के नामों को याद करने के लिए आप लफ्ज मक्का याद कर लीजिए मीन काफ हा मीम से बनता है मिरारा बिन रबी काफ़ से बनता है का बिन हिल और हा से बनता है हिल बिन उमैया आप यकीन करें मैं जब स्टूडेंट था उस टाइम मैंने ये याद किया आज तक मुझे कभी नहीं भूला मीम से मिरारा बिन रबी काफ से का बिन मालिक और हा से हिल बिन उमैया ही बुखारी और दीगर किताबों के अंदर ये जो वाक़ बयान करते हैं ना का बिन मालिक बयान करते हैं बिन मालिक कहते हैं कि मैंने कहा चले कल जाऊंगा कल जाऊंगा करते करते मैं रह गया अब जब पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्ला वापस पलट रहे हैं तो मुनाफिक जो थे ना वो उजर सोचना शुरू हो गए कि हम अल्लाह के रसूल के सामने क्या उजर पेश करेंगे क्यों नहीं गए झूठे उजर तफसीलीर गुजर चुके हैं काब कहते हैं कि मैंने ये सोचा मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा मैं सच सच जाकर बता दूंगा और हज़रत काब ने ऐसा ही किया सच सच जाकर बता दिया और अल्लाह के रसूल सल्लाम के भी में था कि हज़रत काब नाउज बिल्ल मुमुनाफिकीन में से नहीं है जो झूठ बो रहे हैं इन्होंने सच सच बता दिया नबी करीन सल्म ने उन्हें फरमाया इंतजार कीजिए यहाँ तक कि अल्लाह कोई आपके बारे में हुक्म नाजिल करते अल्लाह अकबर कितना इंतज़ार कीजिए एक दिन दो दिन तीन दिन चालीस दिन गुजर गए हज़रत क़ब हज़रत हिल हज़रत मरारा ये इंतज़ार में और ये इतनी सख्ती के दिन थे क्योंकि बाकी तमाम सहाबा को इन तीनों के साथ बातचीत करने से मना कर दिया गया था कोई इनके साथ ना गुफ्तु करता ना कोई लेन देन ना मामला कुछ भी नहीं अब यकीन जानिए यानी मदीना के अंदर रह रही और कोई बंदा इनसे नहीं बात कर रहा नंबर एक नंबर दो बड़ी आजमाइश हजरत काब कहते हैं कि जब गस्सान के इलाके का जो बादशाह था उसको पता चला तो उसने हम तीनों की तरफ ख़त लिखा अपना कासिद भेजा कि आप आकर मेरे साथ शामिल हो जाए मतलब दीन इस्लाम से फिर जाए कहते हैं इन्होंने उस खत को जलाया और जलाने के बाद ये रोए कि अब आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है कि कुफार भी हमें कुफर की तरफ दावत देने लगे हैं फिर क्या हुआ फिर चालीस दिन गुजरे तो इनकी बीवियों से भी कह दिया गया के अपने खामदों को छोड़कर अपने वालदेन के घरों में चली जाए उनको अकेला छोड़ दे दस दिन उन्होंने ये सख्ती भी देखी पचास दिन के बाद अल्लाह अकबर अल्लाह इज़्ज़त ने इन आयात को नाजिल किया आयत नंबर एक सौ अठारह एक सौ उन्नीस कि अल्लाह रबुल्ज़त ने इन तीनों सहाबा की तोबा को कबूल किया इन तीनों सहाबा की तोबा को कबूल किया आपको कभी मदीना जाने का इतफ़ाक़ हो मदीना के अंदर एक मस्जिद है जिसको सब मसाजिद के नाम से कहा जाता है सब आम के नाम से अच्छा ये जो मस्जिद है इस मस्जिद में जिसको किबलातेन भी कहते हैं अच्छा इस मस्जिद के बिल्कुल करीब आप कह लीजिए कि जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर कहते हैं हज़रत क़ाब मैं था तो मुझे एक सहाबी ने आकर यह खुशखबरी दी कि ऐ काब अल्लाह ने तुम्हारी को कबूल कर लिया अल्लाह अकबर अल्लाह तो हज़रत कहीं इस हदीस को ज़रूर आप पढ़िएगा बड़ी ख़ूबसूरत तफसली हदीस है ये वाक़ हज़रत कब कहते हैं कि मुझे इस्लाम लाने के बाद जो सबसे ज़्यादा ख़ुशी है अपने अमाल में वो ये है कि मैं ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच कहा जो बताया मैंने सच सच बता दिया और मैं ये भी कहता हूँ कि शायद जितनी हम तीन लोगों ने सच की कीमत अदा की है इतनी कभी किसी ने सच की कीमत ना अदा की होगी अल्लाह अकबर लेकिन ये ईमान में सच्चे थे तो अल्लाह ने इनकी तोबा को कबूल किया रिक्वेस्ट आई है कि तर्जमा दोबारा कर दीजिए मैंने बहुत तेजी से तर्जमा किया तो अब तर्जमा दोबारा सुनिए अब आपने तफसर सुन ली ना वोफू वो तीन लोग जो पीछे रह गए थे या पीछे छोड़ दिए गए थे यहां तक अर दो जब जमीन उन पर तंग हो गई बीमा और बड़ी खुली थी वदाकत और उनकी जाने भी उन पर तंग हो गई वज और उन्होंने ये समझ लिया अल्लाह अमीन कोई पना नहीं है मलजा पना के माना में कोई पना नहीं है अल्लाह से मगर उसी की तरफ मतलब आप अगर अल्लाह से कोई पना है तो वो अल्लाह की ही पना है फिर अल्लाह उन पर मुतवजह हुआ लियोबू ताकि वह तोबा करे अल्लाह बेश हुआत रहीम वो तोबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है या अय्युहल लदीना आमनू ए ईमान वालो इत अल्लाह से डरो वक़ून मा सादिकीन और सच्चों के साथ हो जाओ वक़ून और हो जाओ मा सादिकीन सच्चों के साथ अल्लाह ने फरमाया अब यहाँ पर अल्लाह अकबर अहले मदीना और इर्गिर बसने वाले जो देहाती थे उनके लिए ये नहीं है कि वो जिहाद से पीछे रहे और जो अल्लाह की राह में निकलते हैं तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं उनका अजर ववाब अल्लाह ने बयान किया अल्लाह ने फरमाया माँ का ना नहीं है लिया मदीना, मदीना के लिए वमन है और जो उनके इर्द गिर्द हैं मिनल अराबी देहातियों में से क्या नहीं है खलफू ये कि वो पीछे रहें आर रसूल्ला के रसूल सल्लाम से वला यबू भी अन और ना वो रगबत रखें अपनी जानों का और ना वो रगबत रखें अपनी जानों की एंड नफसी ही अल्लाह के रसूल वसल्लम की जान से ज़्यादा यानी अल्लाह के रसूल वसल्लम की जान से बढ़कर अपनी जानों की रगबत रखें ये भी उनके लिए जायज़ नहीं है ज़ाल का ये बियन न हम सबब इसका ये है कि वो ला युसीबहुम नहीं पहुंचती उन्हें जमा उन प्यास वला नसबुन और ना ही थकावट वला मख मसात और ना ही भूख प्यास थकावट भूख फी सभी लीला अल्लाह की में यानी जब वो अल्लाह की में निकलते हैं उन्हें प्यास थकावट या भूख नहीं पहुंचती अच्छा ये नहीं 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 तीन मरतबा आएगा जवाब इसका इल्ला के बाद है ठीक है ना उनको प्यास थकावट या भूख नहीं पहुँचती अल्लाह की राह में नंबर एक नंबर दो वलायता ऊन अन और नहीं वो किसी राह से गुजरते रोंदने के माने में होता है वत उन ठीक है तो फेल मुजारे है वला यता ऊन अन और नहीं वो किसी जगह को रोंदते कुफारा जो कुफार को ग़ुस्से में डाले यानी कुफार मुसलमानों को देखकर गुस्सा करें जब मुसलमान लश्कर गुजरता है ये दो नंबर तीन वला यना लूना लून और नहीं वो पहुंचते नई लन पहुंचना दुश्मन से पहुंचने का मतलब यह है कि वो दुश्मन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते ठीक है तो तीन मरतबा नहीं नहीं आ गया ना इला मगर मगर यानी इन सारे कामों के बदले में क्या होता है उन्हें जो प्यास थकावट या भूख पहुंचती है या वो किसी जगह से गुजरते हैं या वो दुश्मन को कोई तकलीफ पहुंचाते हैं इसके बदले में क्या होता है इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमल صالح मगर उनके लिए लिख दिया जाता है नेक अमल अल्लाह हु अकबर ये जिहाद का اجر وثواب है अल्लाह की राह में निकलने पर भूख प्यास या थकावट भी होती है तो नेक अमल का सवाब लिख दिया जाता है इन अल्लाह बेशक अल्लाह लाद युद्धियों नहीं ज़ाया करता अजरल महसिन एहसान करने वालों के अजर को अल्लाह ने फ़रमाया अब आगे उन्हीं लोगों का जिक्र चल रहा है नफ़ा नफ़ाकाता और नहीं वो ख़र्च करते कोई खर्च सगीरा थोड़ा छोटा कोई छोटा सा इन्फ़ाक वला कबीरातान और ना ही बड़ा वला यकता वादियन और नहीं वो काटते किसी वादी को अच्छा वादी को काटने का क्या मतलब है मतलब सफ़र के अंदर सफ़र तय करना ठीक है मैंने इतने किलोमीटर सफ़र काट लिया मतलब तय कर लिया वो नहीं किसी वादी को के सफर को तय करते उसको काटते और ना ही अल्लाह की राम में कोई थोड़ा या ज़्यादा खर्च करते हैं मगर कोती बाहूम उनके लिए लिख दिया जाता है उनके लिए लिख दिया जाता है मतलब अगर अल्लाह की राम में निकलोगे और अगर कुछ खर्च करोगे थोड़ा हो या ज़्यादा या कोई सफ़र तय करोगे कुत्ती वाला हम उसके बदले में उनके लिए लिख दिया जाता है लियत ज़िया हम अल्लाह ताकि अल्लाह उनको बदला दे अहसन अमां का न्याम अच्छा जो वो अमल करते थे यानी अल्लाह के यहाँ जो बदले हैं उनके अमाल के मुकाबले में अहसन अहसन इसम तब्दील है ज़्यादा अच्छा उनके अमाल के मुकाबले में ज्यादा अच्छा बदला है तो अल्लाह ने फरमाया व माँ क आज की हमारी ये आखिरी आयत है इस साहित में बाज़ल ने इससे मुराद जिहाद का सफ़र लिया या जिहाद के लिए निकलना लिया लेकिन वल्लम ज़्यादा सही बात यही लगती है कि इससे मुराद इल्म के लिए निकलना है इल्म के लिए निकलना अल्लाह ने फरमाया वमा क्या और नहीं है मोमिन वमा काना और नहीं है अल्म मोमिन लियन फिर ये कि वो निकलें काफा सारे के सारे यानी ऐसे नहीं हो सकता कि मोमिन सारे के सारे निकले ऐसे नहीं होना चाहिए फलौ बस पस क्यों नहीं नाफारा निकला मिन कुल्ली फिरका हर ग्रो में से क्यों नहीं निकली हर ग्रो में से मिन हम उन में से तो एक जमात ग्रो या जमात के माना में आता है तो हर फिरका यानी हर ग्रो में से हर कौम में से एक जमात क्यों नहीं निकली ली या तफ़ ताकि वो सीखते फिर दीन दिन में ताकि वो दीन में तफक् हासिल करते लफ्ज़ जो फिका है ना फिका वो इसी से निकला है चैप्टर तदब्बरा य तदब है नून लाम की वजह से गिर गया शुरू में जो लाम है ठीक है असल में था य तदब बरूना के वजन पर यूना तो हर ग्रोम में से एक जमात क्यों नहीं निकली लिया तफफ कहू ताकि वो समझ बूझ हासिल करते फिर दीन दीन में दीन को सीखते और ताकि वो डराते कौम हम अपनी कौम को ईज़ार जाऊँ जब वो वापस पलटते ही उनकी तरफ जब अपनी कौम की तरफ़ वापस पलटते तो उनको डराते अल्लाह का खौफ़ दिलाते लहम यखदर ताकि वो डरें ताकि वो बचें अपने आप को गुनाहों से बचाएं। तो बाज़िल ने इसी से कहा कि ये लाजिम है कि हर मुसलमानों के इलाकों के अंदर कुछ ऐसे मुसलमान एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो दीन के इल्म के अंदर समझ बूझ हासिल करे और फिर जब समझ बूझ हासिल कर सके उसके लिए उसको सफ़र भी करना पड़े तो वो सफ़र करे और फिर वापस आकर अपने कौम के लोगों की असलाह करे और अपनी कौम के लोगों को डराए उनको अल्लाह का डर दिलाए और उनको गुनाहों से पाक करे ताकि वो लोग अपने आप को गुनाहों से बचा सकें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अलहदुल्ला रब्ल्ज़त की तोफ़ी से हमने आज कल ऐसे मुकम्मल किया अक़ुल गौलिहातकफिरल्ला वलकुम वलिस इरमसिमिन मिनकुलम बिन व तला नबीना महमदिन वल वही अजमाइीन